हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोरियल हेयर स्पा के ऊपर। फ्रेंड्स, लोरियल प्रोडक्ट से हेयर स्पा पार्लर में किस तरीके से किया जाता है, आइए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, स्पा क्रीम भी चार तरीके की आती है। कौन से हेयर पे कौन सा क्रीम हमें अप्लाई करना होता है, आगे मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। सो इस वीडियो को फुल वॉच करें। इनकी स्कैल्प में काफ़ी ज़्यादा डेंड्रफ हो चुकी है। फ्रेंड्स, अभी मैं डेंड्रफ फ्री एम्पूल अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि रिपेयरिंग क्रीम बाथ के साथ। स्पा के बाद सारे डेंड्रफ रिमूव हो जाएगी, हेयर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे। बिफोर एंड आफ्टर लुक आप देख चुके हैं फ्रेंड्स, इनकी हेयर की क्वालिटी किस तरीके की है। कुछ हेयर पे वॉयल भी लगी हुई है, इसलिए चिपचिपा भी लग रही है। हेयर स्पा का सबसे पहला प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, हेयर वॉश करना, जो कि आप प्योरीफाइन शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। ये हम लोरियल से हेयर स्पा कर रहे हैं, तो लोरियल का ही प्योरीफाइन शैम्पू हम अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से 100% इनके हेयर से ऑयल रिमूव हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम अगली क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद टैंगल फ्री हेयर को कर लेनी होती है, उसके बाद ही हम क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। फ्रेंड्स, क्रीम यूज करने से पहले मैं बता दूं, इनके हेयर पे स्मूथनिंग की एप्लीकेशन हो चुकी है, इसलिए मैं इनके हेयर पे रिपेयरिंग क्रीम बात यूज कर रही हूँ। जैसे कि मैं बताई थी, स्पा क्रीम चार तरीके की आती है और इसका एम्पूल दो तरीके की, तो एक ड्राई स्किन के लिए अलग आती है और डैंड्रफ के लिए अलग आती है। फ्रेंड्स, अगर आप हेयर स्पा अभी तक नहीं किए हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंड्स, जो कि हेयर स्पा में आपको बहुत ज़रूरी होता है इसको पहचानना, कि कौन से हेयर पे किस तरीके की क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम हेयर स्पा करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताई हूँ। इस तरीके से स्पा अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। फ्रेंड्स, क्रीम की एप्लीकेशन मैं स्टार्ट कर दी हूँ, जो कि अपने एरिया से क्रीम हम लगा रहे हैं, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टू फिंगर की हेल्प से इसे मल्सीफाई भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। इस क्रीम को आप स्कैल्प के साथ लेंथ, पूरे लेंथ पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम इस वीडियो में कर रहे हैं। स्कैल्प के साथ साथ पूरे लेंथ पे अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, और सारे हेयर पे मल्सीफाई करते हैं, ताकि सारे हेयर पे क्रीम अच्छे तरीके से लग जाए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो छोटे छोटे सेक्शन लेके कर सकते हैं, समय थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। अगर आप फुल एक्सपीरियंस हैं तो आप बड़े सेक्शन पे भी काम करेंगे, फिर भी आपकी हेयर पे फुल्ली रिजल्ट आएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं 4 सेक्शन बनाई थी, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं सेकेंड सेक्शन पे क्रीम अप्लाई करूँगी। जैसे कि मैं फर्स्ट सेक्शन पे क्रीम अप्लाई की हूँ, उसी तरीके से मैं सेकंड सेक्शन पे भी करूँगी, अदर सेक्शन पे भी करूँगी। स्कैल्प में पहले लगाना है, उसके बाद लेंथ पे अप्लाई करना है। अगर आपके हेयर वर्जन हैं तो आप स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर आपके हेयर स्ट्रेट किया हुआ है तो आप रिपेयरिंग क्रीम की एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके स्कैल्प में इचिंग होती है एंड डेंड्रफ हो चुकी है, तो आप डेंड्रफ फ्री एम्पूल का एप्लीकेशन करें, उसके बाद आप देखें कि आपके हेयर पे फुल्ली रिजल्ट भी आती है और फाइनली डेंड्रफ फ्री भी हेयर हो जाती है। फ्रेंड्स, एक मैसेज आया था हमें कि लोरियल का प्रोडक्ट हम कहाँ से परचेज करें। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर आपको शॉप पे भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से शॉप पे मिलेगी, तो आप सैलून से आप ले सकते हैं, आपको लोरियल का प्रोडक्ट सैलून से भी परचेज हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेफ एरिया के सारे हेयर पे हम क्रीम की एप्लीकेशन कर चुके हैं, अब साइड वाले हेयर पे क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि हम नेफ एरिया के हेयर पे एप्लीकेशन किए थे। सारे हेयर पे क्रीम अच्छे से लग जानी चाहिए, उसके बाद मैं इस हेयर पे मसाज दूंगी, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत ही कम समय में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो अगर डिटेल में डाल। क्रीम की एप्लीकेशन होने के बाद फ्रेंड्स, अब आती है हेड मसाज की बारी, जो कि स्कैल्प में बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स फील करवाती है। चैम्पिंग जैसे ये स्टेप है, इसमें भी बहुत तरह तरह के स्टेप होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं तो
तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेड मसाज के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, जो कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे। मैं बहुत ही अलग अलग तरीके से इस पे हेड मसाज दी हूँ। हेड मसाज की टाइमिंग फ्रेंड्स 6 से 8 मिनट की होनी चाहिए, जो कि हम क्रीम अप्लाई जो किए हैं लेंथ के ऊपर एंड स्कैल्प के ऊपर, वो क्रीम की टाइमिंग जो होती है 20 मिनट की होती है। उतने समय में आप हेड मसाज और स्टीम दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। हेड मसाज से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है फ्रेंड्स। हेयर स्पा में सबसे मेन होता है जो कि हेड मसाज होता है। आप 8 से 10 मिनट तक की हेड मसाज दे सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हेड मसाज से ही होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ इनकी हेयर में जो भी डेंड्रफ है वो भी उभर के आएगी, ताकि आप नॉर्मल वाटर से रिंस करेंगे जब हेयर को, उस समय निकल जाएगी। सो मसाज की एप्लीकेशन पूरा होने के बाद फ्रेंड्स, मैं इस हेयर पे स्टीम दे रही हूँ। अगर आप घर पे हेयर स्पा करते हैं तो अगर स्टीम की सुविधा नहीं है, इस तरीके की मशीन से नहीं दे सकते हैं, तो आप गर्म टॉवल को रैप करके भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा लगता है जब ये कैप लगाते हैं, बालों पे साइन आती है, काफ़ी प्यारा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है हेयर स्पा करने में। सो आप देख सकते हैं कि इनकी हेयर कितनी ज़्यादा स्ट्रेट एंड स्मूथ हो चुकी है। इनके हेयर पे पहले से भी स्मूथनिंग की एप्लीकेशन हो चुकी है, इसलिए इनके हेयर जो भी स्कैल्प से निकले हैं वो नेचुरल हैं, थोड़े से बॉन्स दिखते हैं, बट नीचे वाले हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है। एक साल पहले ये स्ट्रेट करवाए हुए हैं, इसलिए इनकी हेयर पर काफ़ी ज़्यादा साइन आई हुई है फ्रेंड्स। स्टीम के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट की मसाज दी थी, क्योंकि हेयर जो होती है हॉट हो जाने के बाद, थोड़ी सी नॉर्मल होने के बाद ही मैं इस हेयर पे गुनगुने पानी से क्रीम की एप्लीकेशन को निकाल लूँगी, जो कि इन हेयर पे लगी हुई है फ्रेंड्स। इस समय हाथों से हेयर एकदम फिसल रहे हैं, जो कि साइन के रूप में कन्वर्ट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्मल वाटर से इसे रिंस कर रही हूँ। इस पर हमें कोई कंडीशनर, कोई सीरम अभी नहीं लगानी है। हाफ टॉवल ड्राई होने के बाद ही मैं इस हेयर पे सीरम अप्लाई करूँगी। फिलहाल अभी मैं कंडीशनर नहीं लगाई हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस इसी से पूरा हो जाता है हेयर की। कुछ इस टाइप की हमारी हेयर जो दिख रही है फ्रेंड्स, इसे हम नोजल निकाल कर, हॉट नहीं डालकर, मैं इसे कूल से ठंडे ठंडे हवा से मैं इस बालों को सुखा रही हूँ। उसके बाद ही मैं हल्के से हॉट करके डालूंगी, जो कि इस पर साइन आएगी फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है कि हेयर स्पा से हेयर स्ट्रेट होती है क्या? सो ऐसा नहीं है, हेयर स्ट्रेट नहीं होती है। 35% गीले हेयर पे मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। सीरम भी हमारा लोरियल एक्सेंसो का ही है फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं बताती हूँ, जो कि आप सीख सकें और समझ सकें। सो फ्रेंड्स, लगभग हमारी हेयर की एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। 35% गीले हेयर को मैं अच्छे से हॉट गर्म हवा से मैं इसे सुखा दूंगी, उसके बाद ही आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनकी रिजल्ट आई है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। पार्लर से रिलेटेड फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डाले हुए हैं। स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कैराटीन ट्रीटमेंट, एक से एक हेयर कटिंग की वीडियो है, जो कि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर घर बैठे आप ब्यूटीशियन का कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो फाइनल लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी प्यारी आई है। बालों पर साइन भी आई है, बालों की लेंथ भी अच्छी है, और जो भी हेयर फ्रिजनेस थे वो भी कंट्रोल होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय तक ये काम करता है। हेयर स्पा करवाने के बाद आप 3 दिन तक शैम्पू नहीं कर सकते हैं। 72 घंटे बाद ही इस हेयर पे शैम्पू करें फ्रेंड्स, और शैम्पू करने से पहले हेयर ऑयल ज़रूर अप्लाई करें। ड्राई हेयर पे शैम्पू नहीं अप्लाई करें। शैम्पू करने की एप्लीकेशन मैं बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि किस तरीके से शैम्पू किया जाता है फ्रेंड्स। एक एक बाल स्ट्रेट एंड स्मूथ दिख रही है, क्योंकि इनकी हेयर पहले से स्ट्रेट की गई थी। काफ़ी प्यारा रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।
बिल्कुल बारीकी से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। सो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।